अगर आप भी अपने घर के सिनेमा ऑडियो को अपग्रेड करके और ज्यादा एनकम्पैसिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, या इन शॉर्ट कहो तो अपने कानों को, अपने आप को ऑडियो ट्रीट देना चाहते हैं, तो इसी के लिए है डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जानते हैं व्हाट्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स। उससे पहले जानेंगे बाइंग गाइड यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट बिफोर बाइंग डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स, और उससे भी पहले हम जानेंगे डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स काम कैसे करते हैं, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दीज साउंड बार्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड साइंस को जानेंगे तभी मजा आएगा बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स खरीदने का और फिर उन्हें सुनने का। लेकिन दोस्तों, क्या आपको कन्फ्यूजन है इन व्हाट इज मोनो स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर्स, 5.1, 7.1.2, सराउंड साउंड, डॉल्बी एटमॉस? तो ऑलरेडी इस पे हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, प्लीज डू चेक इट आउट दिस वीडियो, ताकि आप इन सभी टर्म्स एंड नेम्स को अच्छे से समझे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाउ डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स वर्क। 3D साउंड इफेक्ट पाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से साउंड आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। उसी के लिए छोटे स्पीकर्स को रूम में अलग अलग जगह पर लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक पे प्लेस किया जाता है। बट ये तरीका थोड़ा कॉस्टली है एंड सभी अटैचमेंट्स में थोड़ी दिक्कतें भी आती है। वही साउंड बार कम जगह लेकर ऑलमोस्ट वैसा ही सराउंड 3D ऑडियो का इफेक्ट आपको देता है ड्यू टू स्मार्टली प्लेस्ड ऑडियो ड्राइवर्स, जो कि साउंड को एमिट करते हैं और वही साउंड आपके रूम के वॉल्स यानी दीवारों से टकराकर आप तक पहुंचते हैं टू गिव यू वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट। डॉल्बी ये कंपनी सराउंड साउंड बनाने में एक्सपर्ट है एंड जिन मूवीज में डॉल्बी एटमॉस साउंड का यूज हुआ है, अगर आप उन्हें डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल साउंड बार से सुनेंगे तो उस ऑडियो एक्सपीरियंस के तो क्या कहने। फॉर एग्जाम्पल, मूवी में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो रियालिटी में बिजली के कड़कने की आवाज ऊपर आसमान से आती है, तो साउंड बार के अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स साउंड को ऊपर सीलिंग की तरफ डिस्पर्स करते हैं, जो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचती है बाय गिविंग यू वर्चुअल फीलिंग ऑफ सराउंड साउंड ऑफ रेन और थंडर कमिंग फ्रॉम अपवर्ड। यूजुअली ऐसा एक्सपीरियंस के लिए होम थिएटर्स का भी यूज किया जाता है, बट दे आर एक्सपेंसिव और उनका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। साउंड बार्स आर कंपैरेटिवली इजी एंड इकोनॉमिकल टू। तो अब जब आपने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के वर्किंग को समझ लिया है, तो अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट फॉर हैविंग बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ डॉल्बी एटमॉस साउंड। टीवी में होना चाहिए आर्क HDMI इनपुट पोर्ट और साथ में 48 Gbps HDMI 2.1 केबल या Amazon Fire Stick 4K होना जरूरी है। अगर आपका टीवी Dolby Atmos सपोर्ट नहीं करता, तो इन दैट केस टू इसका एक सॉल्यूशन है कि आपको Amazon Fire Stick 4K लेना पड़ेगा। डोंट थिंक कि कोई भी ऑप्टिकल केबल लगाने से आपको Dolby Atmos साउंड का एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपके टीवी में सफिशियंट पोर्ट्स होने चाहिए सो दैट आप साउंड बार के साथ सेट टॉप बॉक्स एंड इफ यू आर प्लेइंग गेम्स तो PlayStation भी कनेक्ट कर पाए। जब आप साउंड बार अपने टीवी के पास प्लेस करेंगे, तो ऊपर सीलिंग की तरफ आवाज जाने में कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज साउंड बार के ऑडियो सिग्नल्स मोस्टली वॉल्स एंड सीलिंग से टकराकर ही आप तक पहुंचते हैं टू गिव यू सराउंड साउंड फील। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले साउंड बार्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, हेंस टू गेट ग्रेट एक्सपीरियंस यू नीड टू स्पेंड मोर। बट अगर अच्छी क्वालिटी का ऑडियो कम बजट में चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन प्रेफर डॉल्बी डिजिटल साउंड बार्स। वैसे तो आजकल के लेटेस्ट टीवीज में ही बहुत ही अच्छा एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है ऑन वेरियस साउंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग यूज्ड इन द स्मार्ट LED टीवीज। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब जानते हैं बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स इन डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से सही साउंड बार चूज कर सके। सबसे पहले अंडर 20,000 की कैटेगरी में एंड हम रिकमेंड करते हैं Zebronics ZEB ZUKE बार 9800।
इसमें यूज हुआ है 450 वॉट्स आरएमएस स्पीकर, 2.1.2 चैनल सेटअप इसमें आपको मिलता है, वायरलेस सब वूफर के साथ ही आता है। इसमें चार फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है एंड ड्यूअल यानी दो टॉप फायरिंग स्पीकर्स है। इस साउंड बार का परफॉर्मेंस हाई एंड मिड फ्रिक्वेंसीज को काफी अच्छे से हैंडल करता है। मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स के साथ ही आता है। रिमोट कंट्रोल फंक्शन भी आपको इसमें मिलता है। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन्स, इस प्राइस कैटेगरी में ये साउंड बार बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर कॉस्टली ब्रांड्स तो इस साउंड बार की क्वालिटी आपको थोड़ी कम जरूर महसूस होगी। अब जानते हैं इसके प्रोज। जैसे कि हमने आपको बताया था, इन दिस प्राइस सेगमेंट इट इज डेफिनेटली अ वर्थ बाय, क्योंकि आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड का पूरा फील इस साउंड बार के थ्रू जरूर मिलेगा। अब आते हैं अंडर 30,000 की कैटेगरी में, एंड हम रिकमेंड करते हैं फिलिप्स साउंड बार। इसमें आपको मिलता है 320 वॉट्स के स्पीकर, 3.1 चैनल सेटअप आपको इसमें मिलता है। इसमें भी है स्लिम वायरलेस सबवूफर, मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स के साथ ये आता है, और इसमें भी आपको रिमोट कंट्रोल फंक्शन मिलता है। अब आते हैं इसके भी प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। सबसे पहले कॉन, इसका रिमोट फंक्शन थोड़ा सा लैगी है, बट इट इज टोटली फाइन। अब आते हैं इसके प्रोज की तरफ। इस साउंड बार में डेडिकेटेड मिड स्पीकर भी दिया है, तो टीवी में जो भी डायलॉग्स बोले जाएंगे वो आपको क्लियरली सुनाई देंगे, एंड दैट इज वेरी गुड। फ्रैंकली स्पीकिंग, अंडर 30,000 की कैटेगरी में 3.1 चैनल सेटअप का ये साउंड बार इट इज अ स्टील डील। अगर आपका बजट और भी ज्यादा है, यानी अंडर 40,000 की कैटेगरी में आप एक बेस्ट साउंड बार ढूंढ रहे, तो हम रिकमेंड करते हैं सोनी HT G700 साउंड बार। इसमें आपको मिलता है 400 वॉट आउटपुट के स्पीकर, वायरलेस सब वूफर के साथ ही आता है, 3.1 चैनल सेटअप इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको अलग अलग साउंड मोड्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। इसमें है S-Force फ्रंट सराउंड साउंड। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन चेक इन दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इट ऑल्सो सपोर्ट्स DTS:X, और इसमें भी आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिलते हैं, और इसमें भी है रिमोट कंट्रोल फंक्शन। अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। सबसे पहले कॉन्स, इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं इसके प्रोज की तरफ। इसमें है सेंट्रल स्पीकर, ताकि आपको क्लियरली डायलॉग सुनाई दे सके, एंड इसमें डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ DTS:X साउंड का भी सपोर्ट है। और अब अगर आपका बजट अंडर 50,000 का है एंड यू वॉन्ट द बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस इन इट, देन वी आर हैविंग टू ऑप्शन फॉर यू। फर्स्ट इज सैमसंग का HWQ800A साउंड बार। इसमें आपको मिलते हैं 300 वॉट्स के स्पीकर, वायरलेस सबवूफर के साथ ही आता है, 3.1 चैनल सेटअप इसमें आपको मिलता है। अगर आपके पास सैमसंग का QLED टीवी है, तो आप सैमसंग के टीवी के साथ इस साउंड बार को एक साथ प्ले कर सकते हैं, दैट गिव्स यू डबल साउंड आउटपुट। इसे सैमसंग कहता है क्यू हारमोनी टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपको रिमोट कंट्रोल फंक्शन मिलता है, एंड मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ ये आता है। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन्स, अगर आपको ज्यादा पंची बेस का फील चाहिए, तो इस साउंड बार से आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। अब आते हैं प्रोज की तरफ। ये साउंड बार बहुत ही अच्छे से मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसीज को हैंडल करता है। एक छोटा सा टिप हम और भी देंगे, अटैच रियर स्पीकर्स टू, तो आपको और भी ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब जो दूसरा साउंड बार हम रिकमेंड करते हैं, विच इज इनफैक्ट इवन बेटर देन सैमसंग, इट इज LG G1। इसमें आपको मिलता है 360 वॉट्स के स्पीकर, 3.1 चैनल्स सेटअप इसमें आपको मिलता है। इट ऑल्सो सपोर्ट डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, AI साउंड प्रो टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, जो कि इंस्टेंटली ऑप्टिमाइज करता है ऑडियो सेटिंग्स को। मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स इसमें भी आपको मिलते हैं, एंड इसमें भी आपको मिलता है रिमोट कंट्रोल फंक्शन। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले कॉन्स, इससे भी बेटर एंड कॉस्टली साउंड बार्स अगर आपने ऑलरेडी यूज किए होंगे, तो आपको एक हल्का सा डिफरेंस नोटिस तो जरूर होगा इन द क्रिस्पनेस इन ऑफ द साउंड, बट दैट इज टोटली इग्नोरेबल। अब आते हैं प्रोस की तरफ। अराउंड 50,000 की कैटेगरी में ये बेहतरीन साउंड बार है, जो कि हर तरीके की फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से हैंडल करता है, एंड गिव्स यू अ बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मूवीज। इसमें भी हम आपको एक छोटा सा टिप देंगे, अगर आप कॉम्पैक्ट साइज का साउंड बार लेना चाहते हैं अंडर 50,000 की कैटेगरी में, तो आप प्रेफर कर सकते हैं LG का एक्लेयर 320 वॉट साउंड बार। तो देर किस बात की है, अपनी ऑडियो एक्सपीरियंस की जरूरत को समझिए
अवेलेबल ऑप्शंस की लिस्ट बनाइए और अपने बजट में चूज कीजिए बेस्ट साउंड बार। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, साउंड बार खरीदने के बाद अपने दिल में सेटिस्फेक्शन जरूर रखिए, क्योंकि मार्केट में इतने ऑप्शंस है एंड हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो जो हमारे पास है उसका मजा ही नहीं ले पाएंगे। हेंस ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बाय द परफेक्ट वन फॉर यू एंड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।